गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चलेगा हमारा 4। ठीक है, 4 चैप्टर का ये पार्ट 3 है जिसमें हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 4.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए हमें समीकरण को किस तरीके से हल करनी है, सबसे पहले लिखेंगे दोनों चरण, कह लीजिए या जो भी है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ध्यान से देखिए क्या क्या करा हमने, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, x माइनस वन प्लस वन, क्योंकि एक जोड़ना है हमें, बराबर जीरो और प्लस वन। अब सॉल्व कीजिए इसे, वन से वन कैंसिल हो गया तो x बराबर जीरो में वन ऐड किया तो वन, ये समीकरण हमारी सॉल्व हो गई और ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, x प्लस वन बराबर जीरो, कैसे हल करेंगे इसे, x प्लस वन बराबर जीरो दोनों पक्षों में क्या करना है। देखिए पिछली बार हमने एक जोड़ा था तो इस बार क्या करेंगे, माइनस के एक या एक घटाने पर या माइनस एक जोड़ने पर, ठीक है, घटाने पर। ठीक है, एक्स प्लस वन और माइनस के वन बराबर एक्स माइनस वन, तो क्या आया हमारा, देखिए प्लस है ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर क्या आया, माइनस के वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो आंसर है हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें घटाना क्या है। तो जब हम समीकरण को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू हम इधर ले आते हैं और ये प्लस का साइन है तो माइनस को जाता है, यानी इसका आंसर माइनस के वन आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सी हमारा, एक्स माइनस वन बराबर फाइव। ठीक है, आप इसमें क्या हल करेंगे, देखिए ये प्लस माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी सिक्स, तो दोनों में क्या कीजिए, इधर का ही वैल्यू हमें ज़ीरो करनी होती है, क्या करनी होती है, ज़ीरो, तो ये क्या है माइनस का, तो एक्स माइनस वन बराबर फाइव क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस वन प्लस के वन बराबर फाइव प्लस के वन, तो x बराबर ये तो कैंसिल हो गया तो बस फाइव और वन सिक्स, ये हमारा आंसर। आप देखिए d और देख लीजिए, फिर d के बाद बाकी आपको होमवर्क में करने होंगे। देखिए d क्या है, x प्लस सिक्स बराबर टू, सॉल्यूशन करना है इसका, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए अब आप जल्दी बताइए इसमें हमें कितने ऐड या प्लस या माइनस करने होंगे, क्या लिखेंगे, दोनों, देखिए प्लस का है इधर जाएगा
तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 4 इसका आंसर आएगा, है ना। माइनस के 6 घटाने पर, या 6 घटाने पर, ठीक है। एक्स, एक बात और कही थी मैम ने कि ये वाली चीज हमें क्या करनी है, शून्य है। तो जो वैल्यू यहाँ हो, देखिए यहाँ पे माइनस वन था तो हमने प्लस वन कर दिया, साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस के 6 है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस के 6 हो गया, प्लस 6 माइनस 6 बराबर 2 माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया और x बराबर क्या बचा हमारा, माइनस के 4। क्लियर है क्या, जो भी वैल्यू यहाँ है इस जगह उसका साइन चेंज करके वो हम दोनों पक्षों में घटा देंगे या जोड़ देंगे, ठीक है। अगर प्लस है तो घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें हमें क्या करना था, प्लस या माइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, दूसरे में हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 3t, ए है हमारा 3t बराबर कितना है, 42। देखिए अगर इसमें डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से, जैसे इसमें है 3t बराबर 42, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर क्या होगा, 3t बराबर 3 बराबर 42 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और इसे कैंसिल करेंगे, 3 वन जो 3, 3 फोर जा 12, तो t बराबर कितना आ गया हमारा, 14, ठीक है। चलिए बी देखते हैं, क्या है बी, बी अपॉन 2 इक्वल टू 6। मैम ने क्या कहा था, अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये बी है हमारा दोनों पक्षों में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करने पर क्या जाएगा, 2 इंटू बी अपॉन 2 बराबर 2 इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b बराबर क्या बचा, 6 टू जा 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है हमारा सी, पी अपॉन 7 इज इक्वल टू 4। आप जल्दी बताइए इसमें क्या करना है हमें, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 7 से, 7 से। देखिए जब जोड़ प्लस में था तो माइनस किया था, माइनस में था तो प्लस किया था, गुणा में तो भाग किया है, भाग में तो गुणा करते हैं, से सॉरी दोनों पक्ष नहीं लिखे मैंने, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर क्या आएगा,
सेवन इंटू पी इजिकल टू अपॉन सेवन इजिकल टू फोर इंटू सेवन, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दी सेवन की, सेवन से सेवन कैंसिल हो गया तो पी बराबर क्या बचा हमारा, सेवन फोर दार 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी। 4x अपॉन वो सो फोर सॉरी डी है हमारा 4x इज इक्वल टू 25, यही है 4x इज इक्वल टू 25। तो जल्दी बताइए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। किस चीज में है फोर, मल्टीप्लाई में, तो क्या कर देंगे फोर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में फोर से भाग करने पर क्या आएगा, फोर अपॉन फोर सॉरी फोर एक्स अपॉन फोर बराबर 25 अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया, x बराबर 25 डिवाइडेड बाय 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्या लिखा है, चर को पृथक करने के लिए आप जो चरण प्रयोग करते हो उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। जो हमारी स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी ही है, ठीक है, क्वेश्चन में रफ कर देती हूँ। समझ में आ रहे हैं ना आपको, क्या करना है हमें इसके चरण बताने, चरण यानी कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई। ठीक है, थर्ड है ये हमारा, थर्ड का पहला क्वेश्चन है ए हमारा 3n माइनस 2 46। देखिएगा इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लिख सकते हैं चर फर्स्ट या स्टेप वन। सबसे पहले देखिए हमारी समीकरण क्या है, 3n माइनस के 2 इज इक्वल टू 46 है ना, तो इसमें देखिए माइनस के 2 है यानी प्लस के 2 करेंगे, तो चरण वन में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। ठीक है, क्या करना है, 2 जोड़ना है तो 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 सॉरी प्लस के 2, ये प्लस माइनस है ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गए है ना, तो क्या बचा 3n बराबर 48। अब लिखेंगे स्टेप 2 या चरण 2, क्या दोनों देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दीजिए, दोनों पक्षों में कितने से डिवाइड करेंगे, क्या है ये 3 से भाग करने पर क्या जाएगा, 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3, तो n बराबर क्या आ गया, देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, n बराबर जब इसे डिवाइड करेंगे तो 14, तो 40। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी बी क्वेश्चन है हमारा 5m प्लस 7
इज इक्वल टू 70। सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या करेंगे पहले, चरण वन क्या है, कितने प्लस माइनस करेंगे 7, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, घटाए क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, तो समीकरण बनी हमारी 5m प्लस 7 माइनस के 7 बराबर 17 माइनस के 7। माइनस करने दे, हमने माइनस कर दिए 5m, 5m 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना बचा, 10। ठीक है, अब स्टेप टू या चरण टू क्या है, दोनों पक्षों क्या करेंगे, जल्दी बताइए, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों में कितने से, 5 से, क्या करेंगे, भाग, कर दीजिए, क्या हो गया, 5 m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, m बराबर 5 टू जा 10, तो 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, c है हमारा 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40, यही है, चलिए हल करते हैं इसको, किस तरीके से, स्टेप वन या चरण वन क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए इसमें इधर भी है और इधर भी है, यानी मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी है, इसमें हमने दो चरण क्यों करे थे, क्योंकि प्लस में भी था और मल्टीप्लाई में भी था, इसमें डिवाइड में भी है और मल्टीप्लाई में भी है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कर लेते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 20 है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड कर दीजिए 20 से भाग करने पर क्या मिलेगा, 20p अपॉन 3 इंटू 20, क्योंकि डिवाइड माना चाहिए इसके, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 40 अपॉन 20 क्या आया हमारा, p बाय 3 इज इक्वल टू 22 जा 40। ठीक है, आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, चरण 2 में 3 से गुणा करने पर कर दीजिए 3 इंटू पी बाय 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, पी बराबर 3 टू जा 6, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर डी आप बचा है, वो आपको होमवर्क में करना है, आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, हमें क्या करना है, समीकरण को हल करना है, क्या है समीकरण ए हमारी, tan p इज इक्वल टू
100। देखिए समीकरण को हल करना है, हमें इसमें चरण नहीं बताने, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, p बराबर 10p बराबर 100, तो p बराबर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाइए, तो p बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, नहीं तो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं सेम ऐसे ही कर दो। ये सब आपको वो बताया मैंने, एक दूसरा तरीका क्या करेंगे, 10p बराबर 100 समीकरण में 10 से भाग करने पर दोनों पक्षों में ठीक है 10p/10 बराबर 100/10, 10 से 10 कैंसिल 10 से 10 टेन 100, तो p बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेन पी प्लस 10 इज इक्वल टू 100। कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में 10 घटाने पर, घटा दीजिए 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस के 10। देखिए इधर भी माइनस कर दिया और इधर भी माइनस ए प्लस, तो कैंसिल 10p इज इक्वल टू 90। आप दोनों पक्षों में 10 से क्या करेंगे भाग, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, भाग करने पर कर दीजिए 10p/10 इज इक्वल टू 90/10। पी इज इक्वल टू ये 10 है, 10 देखिए 10 से 10 चली गई यानी 9, या 10 9 90 होते हैं तो 9 बचा, पी बराबर 9। क्लियर है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट हैं आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, इजी है। आज ये वाली समीकरण हमारी यही ख़त्म होती है एक्सरसाइज, ठीक है 4.2 पार्ट 3 में हमने ख़त्म कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चैप्टर 4 के पार्ट 4 में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।